और कोरोना वायरस वबाले जान बन गया। कोरोना वायरस ने चीन के बाद अब दीगर 11 ममालिक का रुख कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला मुश्तबा केस भी सामने आ गया। खतरनाक वायरस से चीन में हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 1300 से ज्यादा अफराद मुतासर, 237 की हालत तश्वीशनाक, जबकि फ्रांस में 3, अमरीका और जापान में 2-2 और ऑस्ट्रेलिया में 1 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस दुनिया के लिए खतरा बन गया। खतरनाक वायरस ने चीन में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान समेत 11 दीगर ममालिक का रुख कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। मोहलिक वायरस से मुतासरा मुसाफिर ने चीन से दुबई का सफर किया और फिर वतन वापस पहुंचा। मुतासरा चीनी शहरी को मुल्तान में निश्चित अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। चीनी शहरी चंद रोज कबल शहर वुहान से वापस लौटा था। खतरनाक कोरोना वायरस से चीन में हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 1300 अफराद मुतासर, जबकि 237 की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। चीन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए 13 शहर सील कर दिए हैं। शहरियों पर नकलो हमल पर पाबंदी आयद की गई है। फ्रांस में 3, अमेरिका और जापान में 2-2 और ऑस्ट्रेलिया में 1 केस रिपोर्ट हुए हैं। यूरोप के दीगर ममालिक में भी खतरनाक वायरस के दाखिल होने के इम्कान 70% हैं और मुतासरा ममालिक में जर्मनी और बरतानिया हो सकते हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग कैंप कायम करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानब आलमी इदारे सेहत ने तमाम ममालिक में आलमी इमरजेंसी लगाने पर जोर दिया है।